गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आपका सूरज स्कूल बुलाना के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपने अब तक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचती रहे। आज जो हम बात करने वाले हैं वो 8th क्लास के मैथ्स की बात करने वाले हैं और ये 6th लेक्चर है मेरा 8th क्लास के मैथ्स का। देखिए, आप जो हम बात कर रहे थे वो क्या कर रहे थे, हम डिवीज़न ऑफ रेशनल नंबर्स की बात कर रहे थे। डिवीज़न ऑफ रेशनल नंबर, यही बात कर रहे थे हम। तो डिवीज़न ऑफ रेशनल नंबर में हमने क्या बात की थी, डिवीज़न ऑफ रेशनल नंबर में हमने जो बात की थी वो प्रॉपर्टीज़ की बात की थी। हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ का जिक्र किया था, हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ की बात की थी, डिवीज़न की कुछ प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी थी। क्या क्या प्रॉपर्टीज़ थी? पहली प्रॉपर्टी थी कि जब भी हम किसी रेशनल नंबर को किसी दूसरे रेशनल नंबर से डिवाइड करते हैं तो उनका रिजल्ट जो आपका होता है वो भी एक रेशनल नंबर ही होता है, यह हमने पढ़ा था। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं, अगर एग्जांपल के तौर पे आप देखें तो 2/3 और अगर मैं भाग करता हूँ इसको 3/4 से तो इसका जो रिज़ल्ट आएगा वो क्या आएगा, 2/3। आपको पता है कि ये चीज़ इन्वर्स हो जाती है, जब डिवीज़न में होती है तो ये चीज़ इन्वर्स हो जाती है, मल्टीप्लाई में क्या होगी, 4/3 हो जाएगी। ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 8/9। ठीक है, मतलब डिवीज़न में आपका जो रिप्लाई आएगा, जो रिज़ल्ट आएगा आपका डिवीज़न के बाद, वो भी क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा। बात समझ में आ गई इतनी। दूसरी प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ी थी, दूसरी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि अगर रेशनल नंबर को a/b को अगर खुद उसी नंबर से डिवाइड करते हैं, a/b से ही डिवाइड करते हैं, अगर हम रेशनल नंबर को उसी रेशनल नंबर से डिवाइड करते हैं तो रिज़ल्ट आपका कितना आएगा, रिज़ल्ट आपका 1 आता है। कैसे, देखिए, अगर मैं 2/3 को अगर 2/3 से ही डिवाइड करूं, अगर मैं 2/3 को 2/3 से ही डिवाइड करता हूं तो क्या होगा, यहां पे 2/3, यहां पे आपको पता इन्वर्स हो जाता है, कितना होगा, 3/2, 2 से 2 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, कितना बचेगा आपके पास, 1 बचेगा। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी आपकी क्या थी, तीसरी प्रॉपर्टी आपकी कहती है कि अगर आप किसी भी रेशनल नंबर को, आप कोई रेशनल नंबर आपके पास और उसको आप 1 से डिवाइड करते हैं, अगर आप किसी भी रेशनल नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं तो उसका रिप्लाई क्या आएगा, वो खुद रेशनल नंबर आ जाता है। मैंने तीसरी प्रॉपर्टी आपको क्या बताई थी कि अगर आप किसी भी रेशनल नंबर को अगर आप 1 से डिवाइड करते हैं तो उसका रिप्लाई कितना आएगा आपके पास, उसका रिजल्ट वो रेशनल नंबर इटसेल्फ आ जाता है। जैसे मैं 2/3 को अगर मैं डिवाइड करूँ 1 से, अगर मैं 2/3 को 1 से डिवाइड करता हूँ तो क्या रिजल्ट आएगा आपका, 2/3 इंटू में 1/1, यही आएगा, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 की 1 से मल्टीप्लाई 2, 3 की 1 से मल्टीप्लाई 3, 2/3, यही नंबर लिया था मैंने डिवीज़न के लिए, यही नंबर मैंने लिया था और यही नंबर मेरा आ गया है। ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी आपकी क्या कहती है, फोर्थ प्रॉपर्टी आपकी कहती है, जो आपकी फोर्थ प्रॉपर्टी है वो कहती है कि अगर मैं किसी 0 को किसी रेशनल नंबर से डिवाइड करता हूँ, अगर मैं 0 को किसी रेशनल नंबर से डिवाइड करता हूँ तो उसका रिप्लाई कितना आएगा, उसका रिप्लाई 0 आ जाता है आपका, उसका रिप्लाई कितना आ जाता है, 0 आ जाता है। जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पे बात करूँ, अगर मैं 1/2 को, अगर मैं 1/2 को डिवाइड करता हूँ, आई मीन 0 से 1/2 को डिवाइड करता हूँ, मैं एक एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ, 0 को 1/2 से डिवाइड करता हूँ तो रिजल्ट कितना आएगा इसका, 0 आएगा। एक प्रॉपर्टी मैं आपको और बता देता हूँ, एक फिफ्थ प्रॉपर्टी, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। फिफ्थ प्रॉपर्टी आपकी क्या कहती है कि आप अगर रेशनल नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं, आप किसी अगर रेशनल नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो उसका रिजल्ट नॉट डिफाइंड आता है, उसका रिजल्ट क्या आता है आपका, नॉट डिफाइंड, आप 0 से उसको डिवाइड नहीं कर सकते रेशनल नंबर को, नहीं तो रिजल्ट क्या आ जाएगा आपका, नॉट डिफाइंड आ जाएगा। बात समझ में आई। अब मैं कुछ क्वेश्चन इसके बेस पर ले रहा हूँ। क्वेश्चन पहला कह रहा है, इफ़ द सम ऑफ 3/5 एंड 7/15 इज, इफ द सम ऑफ 3/5 एंड 7/15 इज डिवाइडेड बाय देयर डिफरेंस देन द क्वेश्चन ऑब्टेंड इज, ये आपको क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं, इसका सॉल्यूशन निकालते हैं कि सॉल्यूशन क्या आएगा इसका।
देखिए, आपसे कह रहा है कि अगर आप 3/5 को और 60/15 को अगर जोड़ते हैं, तो उनका जोड़ और उनका डिफरेंस का डिवाइड अगर आप करेंगे तो क्वेश्चन क्या आएगा वो बात कर रहा है। चलिए पहले तो जोड़ते हैं। जोड़ने के लिए क्या कह रहा है, 3/5 और 60/15। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इनका एडिशन कैसे करते हैं। देखिए, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 15 एलसीएम आ जाएगा। 15 एलसीएम आ जाएगा, 3 से कितने के ऊपर जाएगा, 5 से 3 के ऊपर जाएगा। 3 * 9 हो जाएगा, +7 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका, 16/15 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा आपका, 16/15 हो जाएगा। अब इनका डिफरेंस कह रहा है कि इनका डिफरेंस कीजिए, यहाँ पे डिफरेंस कर लेते हैं, 3/5 -7/15, यही तो हो रहा है, यही तो डिफरेंस कर रहा है। अब 15 यहाँ पे एलसीएम आ गया, यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे आ जाएगा 3 * 9 -7, ये कितना आ जाएगा आपका, 2/15 आ जाएगा। ठीक है, 2/15 आ गया। एक एक कितना आ गया आपका, एक आ गया आपका 16/15। अब कह रहा है कि 16/15 को अगर आप डिवाइड करते हैं किससे, 2/15 से, तो क्या रिजल्ट आएगा वो मुझे बताना है, इनका क्या रिजल्ट आएगा वो मुझे बताना है। ठीक है, कर लेते हैं भाई। 16/15 * में 15/2, यही तो होता है, 15 से 15 कट जाएगा, ये कितने के ऊपर चला जाएगा, 8 के ऊपर। तो इनका रिजल्ट कितना आएगा आपके पास, 8 इनका रिजल्ट आ जाएगा। बात समझ में आ गया आपको? अरे बात समझ में आई कि नहीं आई, कि मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पे, इसका रिजल्ट कितना आ जाएगा आपके सामने, इसका रिजल्ट आपके सामने 8 आ जाएगा। ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आ गई? अगर इतनी चीज़ समझ में आ गई तो मेरे को बताओ जरा इस क्वेश्चन में क्या था। देखिए क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन को पढ़िए, और क्वेश्चन अगर समझ में आ जाता है आपको तो फिर उसका सॉल्यूशन कीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, अगर 3/5 और 7/15 को अगर मैं ऐड करता हूँ, अगर उनका एडिशन उसके डिफरेंस से अगर डिवाइड किया जाए तो क्वेश्चन कितना आएगा वो बताना है। देखिए पहले मैंने 3/5 +7/15 किया, इसका रिजल्ट निकाला 16/15। फिर मैंने 3/5 -7/15 किया, उसका रिजल्ट निकाला मैंने 2/15। 16/15 / 2/15 कर दिया मैंने, कितना रिजल्ट आया आपके सामने, 8 आया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है उसके ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सिंप्लीफाई करो। किसको सिंप्लीफाई करो भाई, सिंप्लीफाई करना है, आपने आपके सामने एक प्रॉब्लम दे रखी है, -3/2 * 4/5 पहली प्रॉब्लम, +9/5 / 9/5 किससे डिवाइड हो रहा है, 3/-10 से, इससे डिवाइड करना है। ठीक है, उसके बाद -1/2 * 3/4 ये कह रहा है आपसे, ये रिजल्ट आपने निकालना है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल इजी है, आप बिल्कुल इजी तरीके से इसको निकाल सकते हैं। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो मेरे को बताओ। देखिए बिल्कुल ही तो सिंप्लीफिकेशन है, ये ब्रैकेट सोल्व होगी। ब्रैकेट में हम लोग क्या सोल्व करते हैं, देखिए ब्रैकेट में बोडमस रूल मैंने आपको बताया था क्या कहता है वो, पहले ब्रैकेट सोल्व कीजिए, और ब्रैकेट में भी क्या सोल्व कीजिए, पहले ब्रैकेट में ये ब्रैकेट, वो ब्रैकेट और ये ब्रैकेट। ठीक है, चलिए करते हैं सोल्व। ये कितने के ऊपर चला जाएगा, ये 2 के ऊपर चला जाएगा, कितना बनेगा, -6/5 बन गया। अच्छा ठीक है, प्लस इसको करिए 9/5 * में क्या होगा, ये माइनस ऊपर चला जाएगा, ये कितना होगा, -10/3 हो जाएगा। ये कितने पे चला गया, ये 3 पे चला गया, ये कितने पे चला गया, 2 पे चला गया। ठीक है, -2 पे। ठीक है, माइनस इसका कितना आएगा, 3/8 हो जाएगा, ऐसा ही तो होगा। ये कितना हो जाएगा भाई, -6/5, फिर ये कितना, 3 * 2 = 6, 6 किसका, +-6 ऐसा, और -3/8 लिख दिया मैंने। इतना इतना लिखने के बाद क्या करूँगा, देखिए -6/5 हो गया, -6 क्योंकि देखिए प्लस और माइनस, ये देखिए प्लस और माइनस क्या बनाता है, मैंने बताया था प्लस और माइनस क्या बनाएगा, माइनस, माइनस का 6 -3/8 हो जाएगा। एलशियम कितना आएगा आपके पास, अरे इनका एलशियम कितना आएगा, इनका एलशियम आएगा आपके पास, इनका एलशियम कितना आएगा आपके पास, 40 आएगा। 40 इनका एलशियम आ गया, 40 आने के बाद ये कितना होगा, -48 -240 और माइनस का कितना, -8 * 45 * 5 = 15, तो कितना बन जाएगा आपका, ये नंबर बन जाएगा आपका -303/40, ये आपका नंबर बन जाएगा। ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन था, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन था जिसका आंसर आपका ये आया है, ये इसका आंसर आया है। सिंप्लीफाई का क्या क्वेश्चन था, देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंप्लीफिकेशन करना था आपने, एक इक्वेशन आपके सामने ही दे रखी थी, इसको सिंप्लीफाई करना था।
आपको पता है पहले क्या सोल्व होती है, पहले ब्रैकेट सोल्व होती है, मैंने ब्रैकेट सोल्व की है सारी। ब्रैकेट कैसे सोल्व की, देखिए ये दो दो के ऊपर चला जाएगा भाग, दो दूनी चार होता है दो, ये कितना बन जाएगा -6/5 प्लस 9/5 तो ऐसी चीज़ है, इनटू में आएगा क्योंकि डिवाइड का सिंबल हम इनटू में चेंज करते हैं, तो क्या होता है ये रकम उल्टी हो जाती है, इन्वर्स हो जाता है इसका, इन्वर्स मतलब -10/3 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, पाँच दो के ऊपर भाग जाएगा, माइनस दो के ऊपर चला गया और 3 * 9 होता है। ठीक है, -3/8 कैसे, देखिए 1 * 3 कितना होता है, 3 होता है, और 2 * 4 कितना होता है, 8 होता है, तो कितना हो गया 3/8 हो गया। ठीक है, ये क्या बन गया -6/5 प्लस -6 -3/8 बन गया। फिर हमने क्या किया, देखिए प्लस माइनस क्या हो जाता है, प्लस और माइनस क्या बन जाता है, माइनस बन जाता है, मैंने माइनस बना दिया, -6/5 -6 -3/8 हो गया। एलसीएम कितना आ गया आपका, 40 आ गया, 40 एलसीएम आने के बाद कितना आया 48, देखिए 8 * 5 = 40, 8 की मल्टीप्लाई इसके साथ कितनी बनेगी 48 बन जाएगा। तो अगली रकम क्या बनेगी, देखिए कोई भी डिवाइडेड बाई नहीं है, डिवाइडेड बाई कोई भी नहीं है, तो डिवाइडेड बाई कौन होगा, अगर डिवाइडेड बाई कोई भी नहीं है इस टर्म के तो डिवाइडेड बाई 1, 1 मतलब 1 को डिवाइड 40 से करेंगे 40, और 40 * 6 करेंगे -240, और 8 * 5 = 40, और 3 * 5 से मल्टीप्लाई 15, कितना आ गया 303/40 आ गया। बात समझ में आ गया आपको, इतनी चीज़ समझ में आ गई, अगर इतनी चीज़ समझ में आ गई है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ठीक है, अगली चीज़ के ऊपर चलते हैं, अगला जो टॉपिक है आपका वो है एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू को आप मैग्नीट्यूड भी बोलते हैं, देखिए इस एब्सोल्यूट वैल्यू को ही आप मैग्नीट्यूड भी बोलते हैं, आपसे कोई कहे ना कि मैग्नीट्यूड निकाल के दिखाओ, तो मैग्नीट्यूड भी एब्सोल्यूट वैल्यू ही होती है। ठीक है, क्या होती है एब्सोल्यूट वैल्यू, देखिए जैसे आपसे कोई कहे कि -3 की एब्सोल्यूट वैल्यू बताओ, आपने बतानी है एब्सोल्यूट वैल्यू किसकी, एब्सोल्यूट वैल्यू किसकी, -3 की, तो -3 की एब्सोल्यूट वैल्यू कैसे निकालते हैं, देखिए एज ये होता है सिंबल एब्सोल्यूट का, एब्सोल्यूट का सिंबल ये होता है, ये लगाया डंडा, ये डंडा लगाया किसके बीच में, -3 के बीच में, कितना बन जाएगा, देखिए कुछ फर्क नहीं पड़ता, अगर यहाँ पे माइनस का सिंबल है तो सिर्फ प्लस का हो जाता है, बस बात इतनी है। अगर आपसे कोई कहे पाँच का मैग्नीट्यूड निकालो या एब्सोल्यूट वैल्यू निकालो, तो क्या करोगे, 5 के ये लगा दोगे, ये लगाने के बाद देखिए 5 ऑलरेडी प्लस का है, तो एज इट इज इसका रिप्लाई आ जाएगा 5। बात समझ में आ गई, आपसे कोई कहे कि 0 का निकालो, तो 0 का कैसे निकालोगे, 0 का मैग्नीट्यूड, 0 का मैग्नीट्यूड 0 ही होता है। ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू पता लग गई आपको, अरे एब्सोल्यूट वैल्यू पता लग गई कि नहीं, हाँ, तो एब्सोल्यूट वैल्यू, अब आपसे कोई कहे कि भाई आपको तो रेशनल नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है, -2/5 की आपको एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है, तो आप क्या कहेंगे, बिल्कुल निकाल देंगे, कितनी हो जाएगी, -2/5 की कितनी हो जाएगी, 2/5 हो जाएगी। अगर आपसे कोई कहे 3/-2 की एब्सोल्यूट वैल्यू निकालो, 3/-2 की एब्सोल्यूट वैल्यू, तो क्या कहोगे आप, 3/2 कहोगे, कुछ नहीं होता, सिर्फ माइनस का सिंबल है ये प्लस का हो जाता है, जो प्लस का है वो प्लस का ही रहता है, जो माइनस का सिंबल है वो प्लस का हो जाता है, बस इतनी सी बात है। समझ में आ गई बात, इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, आपसे कोई कहे कि 5/2 का मॉडुलस एब्सोल्यूट निकालो, तो क्या निकालोगे आप 5/2 का, अरे 5/2 का अगर आपसे एब्सोल्यूट निकालने के लिए कोई कहे तो आप क्या निकालेंगे 5/2 का एब्सोल्यूट, अरे सिंपल 5 प्लस का है, प्लस का ही रहेगा, एज इट इज रहेगा, 2 प्लस का है तो 2 भी एज इट इज रहेगा, कितना आ जाएगा 5/2 आ जाएगा। बात समझ में आ गई आपको, इतनी बात समझ में आई कि नहीं, अगर इतनी बात समझ में नहीं आई तो मेरे को बताओ जरा फटाफट से। देखिए ये एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी मैंने सीखी है, एब्सोल्यूट वैल्यू आप कैसे निकालते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू को ही आप मैग्नीट्यूड भी बोलते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू कैसे निकालते हैं, सिर्फ जो माइनस का सिंबल है वो प्लस का हो जाता है, और जो प्लस का सिंबल है वो तो प्लस का रहता ही है। समझ में आ गई बात, इतनी बात समझ में आ गई, एब्सोल्यूट वैल्यू कैसे निकालते हैं। ठीक है, एक बार देख लीजिएगा दोबारा से, एब्सोल्यूट वैल्यू कैसे निकालते हैं, अगर कोई माइनस का सिंबल है किसी इंटीजर के सामने या रेशनल नंबर के सामने, तो वो सिर्फ प्लस का हो जाता है, अगर प्लस का है तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो बाकी की चीज़ें कल पढ़ेंगे कि एब्सोल्यूट वैल्यू के ऊपर कैसे क्वेश्चन सोल्व करते हैं और कैसे क्वेश्चन सोल्व होंगे, वो चीज़ें हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए आपका लाइव क्लासेस में सूरज स्कूल बुलाना की यूट्यूब चैनल पे बने रहने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे कि आप वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपके पास सबसे पहले हमारा वीडियो पहुँचे और आप उसको अच्छे से देख पाएँ। ठीक है, तो तब तक के लिए, कल तक के लिए, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।